बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम थम गया। पहले चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला है। आइए आपको बताते हैं कि इन चार सीटों पर किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। औरंगाबाद में इस बार का मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है, क्योंकि इस बार यहां से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। एनडीए से वर्तमान भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह एक बार फिर मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से हम पार्टी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रही है। इसके प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद हैं। उपेंद्र भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सांसद सुशील कुमार सिंह 2009 से लगातार सांसद हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने नरेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 में सुशील सिंह ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। यहां राजपूत और मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के चुनाव लड़ने के कारण बिहार का गया लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल हो गया है। 2019 की लड़ाई में उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार विजय कुमार मांझी से है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिलीप कुमार को टिकट दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। हरी मांझी ने 1,15,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। नवादा में हावी राष्ट्रीय मुद्दों के बीच एक और जहां एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन। राजद को महागठबंधन के घटक दलों को कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रालोसपा का समर्थन है। राजग में लोजपा प्रत्याशी चंदन सिंह को जदयू और बीजेपी के परंपरागत वोटों का सहारा है। राजद से जेल में बंद राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी मैदान में है। 2014 के चुनाव में बीजेपी से गिरिराज सिंह ने चुनाव जीता था, तब जदयू तीसरे नंबर पर रहा था। समाजवादी पृष्ठभूमि वाली जमुई लोकसभा सीट पर अहम की लड़ाई है। मैदान में 9 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए में लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान और महागठबंधन में रालोसपा प्रत्याशी भूदेव चौधरी के बीच है। निवर्तमान सांसद चिराग और 2009 में सांसद रहे भूदेव के कार्यों को लेकर मतदाताओं का अपना गुणा गणित है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई में हुई सभा का असर है, तो दूसरी ओर आरक्षण जैसे मुद्दे पर कुछ खास वर्गों को अपने तर्क से समझाने की कोशिश जारी है।